तो लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा कि डेल्टा बोन के बारे में पढ़ लिया था। तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं बेटा और अपन पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बोन कि सिग्मा और पाई बोन में क्या डिफरेंस है। जो डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो डिफरेंस है सिग्मा बोन में, सिग्मा बोन कैसे बनता है बेटा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। तो फॉर्म बाय हेड टू हेड है ओवरलैपिंग, जबकि ये कैसे बनता है बेटा, कोलेटरल। इस तरह से लेटरल ओवरलैपिंग है, साइड बाय साइड या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनते हैं। नेक्स्ट उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज सिमेट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज सिमेट्रिकल अराउंड ए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग ये भिड़े उसके ऊपर नीचे देखो, देखो सिमेट्रिकल है। इस एक्सिस के नीचे अलोंग भिड़े उसके ऊपर नीचे देखो, मैंने इधर और इधर देखने को नहीं कहा है, ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे क्या है सिमेट्रिकल। जबकि इसमें अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है वो अनसिमेट्रिकल है ऊपर नीचे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज अनसिमेट्रिकल अराउंड ए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। हमका क्या नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से कि ये जो आपको मैंने कल दिखाया था कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, उसे जरूरत नहीं पाई वाले ओवरलैप करे तो करे वरना ना करे, तो अपन क्या कहेंगे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जबकि इसके क्या है नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बिना सिग्मा के पाई बनना पॉसिबल है नहीं पाई बात में। नेक्स्ट में अगर अपन बात करें तो सिग्मा बॉन्ड के राउंड क्या होता है बेटा, फ्री रोटेशन अलाउ होता है। सिग्मा बॉन्ड के राउंड क्या होता है, फ्री रोटेशन अलाउ। ये जो सिग्मा बॉन्ड आप इसके राउंड ऐसे घूम सकते हो, एक सिग्मा बॉन्ड के राउंड मॉलिक्यूल इस तरह से रोटेट करता रहता है। लेकिन इसी जगह पाई बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए बेटा पाई बॉन्ड, मतलब अगर आप हाथ में से दो पेन लो और अब रोटेट करके देखो लॉक लग जाएगा, रोटेट करके देख लो क्या लग जाएगा लॉक। दो पेन लो और इसे रोटेट कराओ, रोटेट ही नहीं कर पाओगे। जबकि सिग्मा बॉन्ड के राउंड क्या था बेटा, फ्री रोटेशन क्या था अलाउ। बोलो कोई दिक्कत है। अब आपको पता है बेटा कि जो फ्री रोटेशन है वो सिग्मा बॉन्ड के राउंड अलाउ है, जबकि पाई बॉन्ड के राउंड पॉसिबल है नहीं है। मतलब दो मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड के राउंड फ्री रोटेशन करते रहते हैं, जब अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो इनसे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर जनरेट होते हैं। कौन से जनरेट होते हैं, सिग्मा बॉन्ड पे। नेक्स्ट में बात करेंगे ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। आपको पता है कि मैं बिना पाई बॉन्ड के सारी ज्योमेट्री पढ़ाया था, सारी शेप पढ़ाया था, पाई बॉन्ड का कोई रोल था क्या, नहीं। तो ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड आर डिफाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड, जबकि ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड आर नॉट डिफाइंड बाय पाई बॉन्ड। अब जो सिग्मा बॉन्ड में क्या है बेटा, सर से सर भिड़ने वाली कहानी है, तो अगर इस तरह से भिड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, अच्छे से ओवरलैपिंग होगी। जबकि पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं बेटा, ऐसे, क्या ढंग से ओवरलैपिंग हो पाएगी क्या, नहीं। आप खुद सोच के देखो, आप किसी के सामने जाके तो आपके सामने खड़े तो उसको थप्पड़ मारो, एक दूर से खड़ाएंगे थप्पड़ मारो साइड से निकलते हुए, कब ढंग से भिड़ पाओगे सामने वाले से, क्लियर है। तो अच्छे से ओवरलैपिंग किसकी होगी बेटा, सामने वाली, किसकी होगी सामने वाली, इसकी अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो अगर बेटा इसकी ओवरलैपिंग अच्छी है, ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होती है स्ट्रॉन्ग, क्या होती है, जबकि पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग क्या होती है वीक, क्या होती है बेटा वीक। नेक्स्ट में बात करें ये क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बॉन्ड भी तो अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, बट जितना अच्छी ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही क्या बनेगा मजबूत, जबकि पाई बॉन्ड क्या होते हैं वीक बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं वीक। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इस बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी भी ज्यादा है, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या चाहिए हाई बॉन्ड एनर्जी, क्या चाहिए इसके लिए क्या चाहिए लो बॉन्ड एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट में बात करूं कि बेटा ये स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं स्टेबल, ये क्या होते हैं अनस्टेबल, स्टेबल भी होते हैं तो लेस रिएक्टिव होते हैं, जबकि ये अनस्टेबल होते हैं और क्या होते हैं मोर रिएक्टिव। समझ में आई बेटा। अब अगर मैं बात करूं बेटा, आपके पास एक CH3 है, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, उसमें पाई है, इसमें पाई है, इसमें सिग्मा है, कौन सा मजबूत है। हाँ देखो सिग्मा तो तीनों में, अगर आप ध्यान से देखो किसी बच्चे के मन में आती है कि सर इसमें सिग्मा इसमें पाई इसमें पाई, तो आप गलत अंदाजा लगा रहे हो, सिग्मा तो इसमें भी है, सिग्मा बॉन्ड तो इसमें भी है और सिग्मा बॉन्ड तो, मैं अगर तुम्हें कहूं कि ये एक आपके पास बना हुआ है इसके अगर मैं तोड़ने गया तो पहले पाई टूटेगा बाद सिग्मा टूटेगा, मैं इसमें तीन पाई तीन बॉन्ड है इसमें पहले पाई टूटेगा फिर पाई टूटेगा फिर सिग्मा टूटेगा, लेकिन है तो सिग्मा इसमें भी है सिग्मा इसमें भी। और इसी तरह अगर मैं बात करूं बेटा सी सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा है, आप सोच के देखो सिंपल सी कहानी है कि एक आपके पास क्या है आपको एक बहुत मजबूत रस्सी से बांधा हुआ है, क्लियर है, दूसरी बार आपको उसी सेम मजबूत रस्सी से और एक कमजोर रस्सी से बांधा हुआ है,
कब आपको तोड़ने में ज्यादा जोर आएगा? दो रस्सियों वाले में आएगा, क्योंकि मजबूत रस्सी दोनों में ही है, इसमें आपको एक कमजोर रस्सी को भी तोड़ना पड़ेगा। हाँ, आप जब ताकत लगाओगे तो सबसे पहले कमजोर रस्सी टूटेगी। कौन सी टूटेगी? पर आपको पहले कमजोर रस्सी तोड़ने की ताकत लगानी पड़ी, फिर दोनों में मजबूत तो ज्यादा ही है, तो क्या ऑल ओवर ज्यादा ताकत यही लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? तो बच्चे को क्या लगता है कि सर इसमें तो पाइप बोन है, तो दो पाइप बोन वीक है, मानता हूं मैं जब तोड़ने लगूंगा तो पहले पाइप बोन टूटेंगे, तो पहले पाइप बोन तोड़ने में खर्चा होगा, फिर सिग्मा तोड़ना, वो सिग्मा तो इसमें भी तोड़ना है, तो सिग्मा सिग्मा तीनों क्या है? बराबर। तो इसलिए अगर मैं तोड़ने की बात आई, किसकी बारी आई? रिएक्टिविटी तो सीख जाता है कि उसका पाइप बोन टूट जाता है, भाई मैं इससे रिएक्शन कराने आई, रिएक्शन नहीं करेगा, इसके पास है कर लेगा, ये भी कर लेगा, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन तोड़ने की बारी आई तो इसमें सिर्फ सिंगल बोन तोड़ना है, वो तो इसमें भी तोड़ना है, क्योंकि एग्जिस्टेंस तो उसकी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें एक एक्स्ट्रा पाई तोड़ना है, इसमें एक्स्ट्रा दो पाई तोड़ना है, तो बताओ ज्यादा एनर्जी किसकी चाहिए? इसकी। तो ट्रिपल बॉन्ड की बोन एनर्जी, मतलब पूरे ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बेटा क्या है? मुश्किल है। क्या है बेटा? मुश्किल। हाँ, अगर मैं इसके पाई को देखूं, इसके सिग्मा को देखूं, तो ऑफकोर्स इसका पाई जल्दी टूटेगा। मैं इसको हीटअप करना शुरू किया तो जैसे 50 डिग्री पकड़ा, इसके पाई बोन टूट जाएंगे, 50 डिग्री पे इसका कुछ बिगड़ा ही नहीं है, आई बात में। लेकिन इसके पाई टूटे, खर्चा तो लगा मेरा, फिर सिग्मा तोड़ोगे तो वो तो इसका भी है। बोलो को दिक्कत है? अरे आई समझ में? चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, मेन पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको सबसे पहले पढ़ना था तो उसको अपन सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अभी बस एक्सप्लेन करना है, सब समझ में आ जाएगा। टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू एटम मस्ट कम क्लोजर टू ईच अदर एंड स्टार्ट ओवरलैपिंग। कि बॉन्ड बनाने के लिए दो डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल क्या आने चाहिए? पास आने चाहिए। क्या आने चाहिए? पास आके एक दूसरे से ओवरलैपिंग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करें ओवरलैपिंग। नेक्स्ट बना, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल आर हाफ फिल्ड एंड हैव ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन। कैसी स्पिन होनी चाहिए? ऑपोजिट। जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं दो अलग अलग के, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट, क्योंकि दोनों मिलकर बना तो एक ही रहे ना, तो स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट। समझा क्या? नेक्स्ट बना, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग लेस देन 50%, 50% से लेस देन ओवरलैप हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, अगर ये दोनों एक दूसरे में ओवरलैप करेंगे तो एक दूसरे से 50% से ज्यादा ओवरलैप नहीं करेंगे। कि सर ऐसा क्यों? जो सिंपल सी कहानी है कि भाई पहले इतनी दूरी में दो जने बैठे थे, क्लियर? अब इन दोनों को अगर मैं मिक्स करने की कोशिश करूंगा, अगर मैं दोनों को भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठा, आराम से अगर मैं इन दोनों को ऑर्बिटल को मिक्स करूंगा तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक में दोनों को ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ले तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? जैसे अभी ये दो छोरियां बैठी है, वो दो छोरी, ये और ये दो छोरियां बैठी है, क्लियर? अगर ये बैठी है, मैं एक को बिठाऊं इस पे, तो ये बिठा लेंगे, क्लियर? इसको भी पूरा पूरा नहीं बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तीसरी सीट नहीं है वैसे, पर इसको आधी उधी बिठा लेंगे, ठीक है थोड़ा सा किसी बैठ जा, लेकिन क्या एक और बिठा लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं। और ये अगर इनकी जगह घुस के पूरा घुसना चाहेगी तो इसे क्या मारेंगे? धक्का मार के नीचे पटक देंगे, जा भाग यहां से, क्योंकि भाई ये दो बैठे, सीट है नहीं तीसरे की, फिर भी इसने रिक्वेस्ट की तो गलत थोड़ी सी खिसक गई, तो थोड़ी बैठ सकती है, ऐसा थोड़ी की पूरी पूरी बैठ जाएगी, पूरी बैठ ही नहीं सकती, पूरी बैठी क्योंकि जगह ही नहीं। तो भाई सिंपल सी कहानी, दो ऑर्बिटल ऐसे नहीं कि पूरे मिक्स हो गए, अपने आप को मिक्स तो करते हैं लेकिन एक दूसरे में 50% ज्यादा मिक्स नहीं कर पाते। आरी बात में बोलो कोई दिक्कत है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होने लग जाता है? रिपल्सन। भाई इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास आएंगे तो रिपेल करेंगे, तो वो कहते इतनी दूर तक तो ठीक है, इससे ज्यादा रिपेल पास में नहीं जाएंगे, तो मैक्सिमम कितने परसेंट ओवरलैपिंग हो सकती है? 50% या 50% से कम ही रहती है। मोर द ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बिटवीन द ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म। तो बेटा जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, मैं एक ऑर्बिटल है, जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड क्या बनेगा? मजबूत बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग क्या हो रही है? ज्यादा। क्या हो रही है? ज्यादा। अब सिंपल एक पेन देना, दूसरा कलर का, क्लियर है? अब ड्यू टू विच हाई बॉन्ड एनर्जी, भाई ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। क्यों ज्यादा होगी? किसे ज्यादा ओवरलैपिंग ऑर्बिटल एक दूसरे में अच्छे से मिक्स होंगे, अच्छे से मिक्स होंगे तो क्या होगा? बॉन्ड मजबूत बनेगा, मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए? ज्यादा। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, बट लेस बॉन्ड लेंथ, तेरा बॉन्ड लेंथ कम होगी। इस तरह क्या नौटंकी है? देखो ये दो ऑर्बिटल हैं, अगर दोनों ने इस तरह से ओवरलैप किया तो बॉन्ड लेंथ देख ली, दिख गई बॉन्ड लेंथ। भाई बॉन्ड लेंथ क्या? दोनों की लेंथ देख लो। अगर मैं इतनी ओवरलैपिंग करा दूं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम की ज्यादा? और ओवरलैपिंग कराऊं तो, और अगर मान लो ऑर्बिटल बिल्कुल थोड़ा सी ओवरलैपिंग करे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है,
और ज्यादा ओवरलैपिंग करने से बॉन्ड लेंथ क्या है कम, तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड लेंथ क्या होगी उतनी कम होगी। क्या समझ में आई बेटा, मैं सिंपल दिखानी है, दो बॉन्ड है इस तरह से और एक इस तरह से और एक इस तरह से, ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी कम। अरे बोलो कम का क्या पक्का? चलो जी, तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा यहां से कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, और ये सब प्रोपोर्शनल ये किसके है ओवरलैपिंग के, किसके है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बॉन्ड एनर्जी, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा और उतनी बॉन्ड लेंथ कम। 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन 10 की जगह 20 हो, 20 की जगह 30 हो, पर ये नहीं कि पूरा ही मिक्स कर दो, 5 से तो अच्छा 10 हो जाए, 10 से अच्छा 15 हो जाए, 15 से अच्छा 20 हो जाए, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में, होगी नहीं जो नहीं हुई उनकी बात कर रहे। अब हमारे पास दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक होती है पैरेलल। ये मैंने आपको पहले बता दिया अभी कि भाई कल वाली क्लास में सिखा दिया था एक्सियल कौन सी है, ये वाली सॉरी ये वाली एक्सियल और ये वाली साइड मोशन। क्लियर है? अब देखो ओवरलैपिंग किसकी ज्यादा होती है, जो स्मॉलर ऑर्बिटल है वो हाई एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग, जितना छोटा ऑर्बिटल होगा उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा, जितना छोटा ऑर्बिटल होगा उतनी। और मैं तो कहता हूं इससे पहले तुम एक चीज और देख लो कि सिग्मा बॉन्ड होता है जितना छोटा होगा, इसके बाद देख लेंगे, जितना छोटा ऑर्बिटल होगा जितना उतना ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा, उतनी ज्यादा क्या करेगा ओवरलैपिंग, और बड़ा ऑर्बिटल उतने अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। दो छोटे बच्चों को देखो वो फौरन दोस्त बन जाता है एकदम पूरा, जबकि बड़े बच्चे ज्यादा दोस्त नहीं बनते, वो बस काम तक दोस्त बनते हैं, हेलो हाय कैसा है बस बढ़िया, ज्यादा दोस्ती नहीं करते, जबकि छोटे बच्चे एकदम पूरी दोस्ती कर लेते हैं। क्लियर है? तो छोटे ऑर्बिटल क्या करते हैं अच्छे से ओवरलैपिंग, और बड़े ऑर्बिटल अच्छे से नहीं करते। अब जो बड़ा ध्यान से, अगर आपके पास ये पहले ये देखोगे आगे पास में, उसके बाद देखोगे इफ द साइज आर सेम, अगर साइज क्या हुई सेम, देन ओवरलैपिंग इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टर, किसके है बेटा, किसी ऑर्बिटल में जितना ज्यादा डायरेक्शन कैरेक्टर होगा, क्योंकि डायरेक्शन कैरेक्टर देखो ध्यान से, अगर एक ऑर्बिटल इस तरह से एकदम सेम डायरेक्शन में आके बढ़े तो ओवरलैपिंग क्या करेंगे ज्यादा, जितना ज्यादा डायरेक्शन कैरेक्टर होगा, जैसे एस ऑर्बिटल है उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, उसकी कोई डायरेक्शन ही वो तो स्फेरिकल है, जबकि पी ऑर्बिटल में क्या है डायरेक्शन, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके ज्यादा ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा। अरे बोलो, तो पहले क्या देखोगे साइज क्या होनी चाहिए छोटी, साइज अगर सेम आ गई तो क्या देखोगे डायरेक्शन कैरेक्टर, क्या देखोगे, लेकिन डायरेक्शन कैरेक्टर में एक चीज ध्यान रखना, सिग्मा की ओवरलैपिंग क्या होती है पाई से ज्यादा, लिख लेना यहाँ लिखा हुआ नहीं, साइज सिग्मा की ओवरलैपिंग क्या होती है पाई से ज्यादा, समझा क्या, तो ओवरलैपिंग प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कैरेक्टर। अब जो बड़ा हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोस्ट डायरेक्शनल देन ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल अपन सीख के आए वो एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होते हैं ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं। क्लियर है? इसलिए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। नेक्स्ट में पी ऑर्बिटल आर मोर डायरेक्शनल देन एस, पी किससे ज्यादा डायरेक्शनल है एस, क्योंकि एस में तो डायरेक्शन है ही नहीं, ये पी है। क्लियर है? ये किसी एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, किसमें डायरेक्शन में, तो सब ज्यादा डायरेक्शन करेक्टर किसमें है बेटा डी में, फिर पी में और फिर एस में, एफ वाला कोई बॉन्ड नहीं बनाता अगर साइज सेम हुई, अगर साइज क्या हुई सेम, साइज सेम नहीं हुई तो नहीं, साइज सेम हुई तो ओवरलैपिंग किसकी अच्छी है पी की फिर एस की, तो हेडोन बनाने से क्या होता है पी भी तो हेडोन बना सकता है ना, जब पी के हेडोन की बात हो रही है, मैं कह रहा हूं कि ओवरलैपिंग देख साइज देखने के बाद देखिए, मैंने कह दिया सिग्मा ज्यादा है पाई से, सिग्मा किससे ज्यादा है पाई से, अब दो सिग्मा आगे तो क्या करोगे आगे समझ में, तो पहले क्या देख लो कि क्या देखोगे साइज छोटी होनी चाहिए, फिर देख लो जिसका सिग्मा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, अब दो सिग्मा आगे तो क्या देख लेनी है डायरेक्शन करेक्टर, क्या देख लेनी है डायरेक्शन करेक्टर, जैसे अगर मेरे को ऐसे क्वेश्चन दे देगा लिख के कहेगा इनमें से किसकी अच्छी ओवरलैपिंग है, तो मैं इसको देखा 1s 1s ये सब है 1s 2s 1s 2p, तो मैंने कहा 1 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखने साइज, तो 1 1 वाला बटा क्या होगा सबसे छोटी साइज क्या होगा, तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग सबसे, अब यहां देखो 1s 2s 1s 2p, तो मैंने कहा देखो ध्यान से 1 2 1 2 मतलब साइज तो सेम है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, इसका भी 1, इसका भी 2, इसका भी 2, तो मतलब साइज क्या है सेम, अब मुझे पता दोनों सिग्मा ही बनाएंगे, दोनों क्या बनाएंगे सिग्मा, अब दोनों सिग्मा बनाएंगे तो मैं देखूंगा डायरेक्शन करेक्टर, तो इसमें एस दोनों खत्म, लेकिन इसमें दूसरा भी एस है, इसमें दूसरा कौन है पी,
पी का डायरेक्शन करेक्टर क्या है, ज्यादा। तो देखो पी एक डायरेक्शन में जाके ज्यादा घुसेगा कि नहीं घुसेगा आगे बात में, तो अपन क्या कहेंगे बेटा कि इसका क्या है बेटा ज्यादा, इसका क्या है कम। पहले साइज देख रहा हूं, देखो मैंने इनको नहीं लिया किसी को भी। अब देखो इनकी साइज क्या है बेटा, टू टू सो टू, ये सब इससे बड़े हैं बेटा, एक वन टू, इनमें सारे टू टू है। अब सारे टू वाले आएंगे, सारे अब सारे टू वालों में मैंने देखा ये तो पाई है, ये तो कौन है, तो सारे टू वाले में मैंने पाई को पीछे लिख दिया, कहा लिख दिया पाई को पीछे। अब बचे ये चार, अब ये चारों सिग्मा, चारों क्या है, तो मैं क्या देखूंगा डायरेक्शन करेक्टर, क्या देखूंगा, और डायरेक्शन करेक्टर में मुझे पता है, देखो मैंने इसको पहले डाल दिया, पहले डायरेक्शन करेक्टर नहीं देखा, पहले मैंने सिग्मा पाई देख दिया, क्या देख दिया साइज, साइज के बाद में सिग्मा पाई। अब अगर मैं इसमें देखो तो ये तो 2s 2s है, दोनों खत्म है, दोनों बढ़िया है, एक सही एक खत्म, तो दोनों सही वाला सबसे आगे आएगा, उसके बाद कौन आएगा, एक सही एक खत्म, और यहां तो दोनों में डायरेक्शन नहीं, मतलब दोनों ही क्या है खत्म, बोलो कोई दिक्कत है। फिर क्या आएंगे, सारे थ्री वाले आएंगे, फिर सारे कौन आएंगे, लेकिन सारे थ्री वालों में से पाई वाला कहां जाएगा, पीछे, तो पाई वाला पीछे हो गया। अब बचे ये तीन, और ये तीनों ही क्या है बेटा आपके पास में, तो दो ही बचे हैं, दो ले लो। हाँ बोलिए, दोनों में डायरेक्शन करेक्टर, पीपी में 2s में कौन सा डायरेक्शन होता है, एस में कोई डायरेक्शन होता है क्या, नहीं, इसमें सिर्फ एक में डायरेक्शन, एक में डायरेक्शन नहीं है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैंने पाई वाले को पीछे रख दिया, अब मेरे पास बचा 3s 3s और 3s 3p सिग्मा, तो मुझे पता है दोनों में सिग्मा है, लेकिन इसमें तो एक में भी डायरेक्शन नहीं, इसमें एक में डायरेक्शन है, तो इसको क्या लिख दिया आगे, इसको क्या लिख दिया पीछे। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये 3p 3p सिग्मा, ये कोड लिख लो ऑप्शन 3p 3p सिग्मा, इनमें दोनों में क्या है डायरेक्शन, वो तो ऑर्डर चलता जाएगा। फिर कौन आएंगे, फोर वाला, तो पहले क्या देख रहा हूँ साइज, जब साइज सेम हो जाए तो सिग्मा पाई देखता हूँ, और सिग्मा पाई में सब सारे सब सिग्मा बचे तो क्या देख रहा हूं, डायरेक्शन करेक्टर, क्या देख रहा हूं आगे भाषण में। चलो जी, अगर मान लो मुझे कुछ नहीं लिखा है, एसएस एसपी और पीपी लिख दे, इसका मतलब साइज तो दी नहीं, साइज तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देख रहा हूं ना, जब साइज दी नहीं तो मैं सिर्फ क्या देखूंगा, डायरेक्शन करेक्टर, क्या देखूंगा। अब देखो एसपी 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 टू एसपी टू एसपी थ्री एसपी थ्री, तो ये तो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल तो क्या होते हैं, सारे डायरेक्शन होते हैं, सारे क्या होते हैं, तो मैं क्या देखूंगा, पहले साइज देखूंगा, क्या देखूंगा, तो साइज में तो एसपी एसपी छोटा हुआ ना, क्योंकि एक एस और पी से मिलके बना है, और ये एक एस और तीन पी से मिलके बना है, तो ये सबसे छोटा है, तो इसकी ओवरलैपिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा। अगर मैं इनको देखूं तो सिंपल सी कहानी है बेटा, एसपी वन एस एसपी टू वन एस एसपी थ्री वन एस, क्या सीखे यहां से, SP1S, क्योंकि देखो सब में SP SP2 SP3 तो 1S तो सब में सेम है, तो फिर मैं क्या देखूंगा SP SP2 SP3 तीनों, अब तीनों में पहले क्या देखूंगा साइज, साइज SP की छोटी है, इसका मतलब SP1S बॉन्ड मजबूत होता है, SP2S से SP2S बड़ा होता है SP, अब जो बॉन्ड मजबूत है मतलब ज्यादा ओवरलैपिंग है, तो बॉन्ड भी छोटा होगा, बॉन्ड भी क्या होगा छोटा, आसन में बोलो कोई दिक्कत है। ये थी VPT की थ्योरी जो अपने को सबसे पहले पढ़नी थी, तो कोई फर्क पड़ा कि लास्ट में पढ़ के भी, मुझे लगता है ज्यादा तुम खुद ही समझ गए क्या कहना चाहते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लियर है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे निकालते हैं, तो देखो ध्यान समझो कि कार्बन के पास हमेशा कितने बॉन्ड होते हैं, चार बॉन्ड, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है, हमेशा उसकी आदत होती है, कितने बॉन्ड बनाता है चार, तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म है फोर बॉन्ड, क्लियर है। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं उधर पहले लिखो थोड़ा समझा देता हूँ, फिर बोर्ड पर समझाता हूँ इसे, तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म फोर बॉन्ड, ये फिक्स है कार्बन के, क्लियर, चार बॉन्ड बनाता है, उसके पास क्या होता है कोई लोन पेयर है। नाइट्रोजन जब तीन बॉन्ड बनाता है तो आपने देखा होगा उसके पास एक लोन पेयर होता है, और ऑक्सीजन के पास आपने देखा होगा जब दो बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर होता है, दो लोन पेयर होते हैं। असल में अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, स्ट्रक्चर गिवन होती है, फॉर्मूला गिवन नहीं होता, क्या गिवन होती है, स्ट्रक्चर, हमें उस स्ट्रक्चर से निकालना होता है, हमें क्या करना, उसे अब स्ट्रक्चर से निकालना आसान नहीं होता, और मैं तो कहता हूँ बहुत आसान स्ट्रक्चर लिखे आए, तो ऐसे तो आसान नहीं होता कि स्ट्रक्चर बनाओ खुद से, ऐसे तो हम ऑर्गेनिक में बनाना सीखते हैं इनको, लेकिन अभी आपको स्ट्रक्चर गिवन आएगी बॉन्डिंग के केस में, तो आपको बस स्ट्रक्चर देखनी और हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कि सर कैसे निकालना है। अभी याद करो कि अपन हाइब्रिडाइजेशन से क्या बनाते थे, सिग्मा बॉन्ड और ए लोन पेयर, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में इन्हीं का रोल होता है। तो अब आप एन की वैल्यू किसके बराबर आती थी, हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बनता था, सिग्मा प्लस ए लोन पेयर, बस आप एन से क्या निकालते थे,
हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या निकालते थे, बोलो कोई दिक्कत है? और इससे आप क्या बनाते, सिग्मा प्लस ए लोन पे, इसमें किसी को दिक्कत है? तो बस हमें कुछ नहीं करना, हर बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड गिन लो और उसके लोन पेयर गिन लो, हमें एन पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? देखो एक दो तीन चार, कितने बॉन्ड है? चार, चार सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है नहीं, तो इसका मतलब चारों सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने होंगे। तो बताओ कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? चार। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? चार। और हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर चार है, क्लियर है, तो आपने इसका कहा चार हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें कितने हैं? चार। तो क्या हो गया एसपी, इसमें गिनो बेटा एक दो तीन चार, क्या हो जाएगा एसपी, इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनो एक दो तीन, एक तो पाई है, ये क्या हो जाएगा एसपी टू, ये वाला भी गिनो बेटा एसपी टू, ये वाला, इस वाले में एक रेख सिग्मा, बाकी दो तो पाई है एसपी, इस कार्बन का भी दोनों का क्या है एसपी थ्री, और इसका का क्या? अब आपको ये भी पूछ सकता है टोटल सिग्मा बॉन्ड बताओ, टोटल है पाई बॉन्ड बताओ, जैसे ये अपने पास में, अब जब उसको अपन उधर ले लेते हैं बोर्ड पे, मैं आपको समझा देता हूं चीजें, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का पोर्शन है, देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाना होता है ना, वो बहुत ही आसान सा खेल होता है ना, तो आपको क्या करना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक लाइन स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है बेटा, एक तो होती है जो फुली स्ट्रक्चर अभी मैंने बना के दिखाई थी, क्लियर है, दूसरी क्या होता है, एक लाइन स्ट्रक्चर होती है, उस लाइन स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करना होता है, उसे क्या करना होता है, ड्रॉ इस तरह से। अभी ड्रॉ हमें करने से पहले अगर मैं तुम्हें नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे मैं आपको ऐसे लिख के दे दूं CH3 CH CH2 CH2 CH3, तो आपको देखो इस स्ट्रक्चर में क्या है कि आपको देखो इससे पहले जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया जिसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाई थी, उसमें आपको परफेक्ट स्ट्रक्चर थे, उसे फुल्ली स्ट्रक्चर बोलते, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड भी बता रखे थे और कितने एटम है ये बता रखे थे, इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड नहीं बताए हुए, क्या नहीं बताए हुए, बॉन्ड नहीं बताए हुए। अगर आपको बॉन्ड नहीं बताए हुए, इसका एक सिंपल सिंपल सा मतलब है, आपको खुद बॉन्ड पता करने पड़ेंगे, खुद क्या पता करने पड़ेंगे, बॉन्ड। अब जो कार्बन की चार वैलेंसी होती है, कितनी होती है, अगर तीन वैलेंसी पैक हो रखी है तो क्या वो कार्बन के बीच में आएगा क्या, क्या वो चेन के बीच में आ सकता है, चेन के बीच में कौन आ सकता है, तो दोनों तरफ बॉन्ड बनाए, तो दोनों तरफ क्या बनाए, क्या वही कार्बन के चेन के बीच में आ सकता है जिसको दोनों तरफ बॉन्ड बनाने की योग्यता हो, जिसको एक तरफ बॉन्ड बनाने की योग्यता हो वो कार्बन चेन के बीच में नहीं आ सकता। तो मैंने जैसे CH3 लिखा है तो इसके तीन बॉन्ड बने हुए हैं, कितने बॉन्ड बने हुए हैं, तीन, सिर्फ एक ही वैलेंसी खाली है, तो बेटा जो CH3 ग्रुप होगा वो हमेशा किसी ना किसी किनारे पर होगा, कार्बन चेन के अंदर है। तो पहला रूल हमने क्या सीखा कि CH3 ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट है कॉर्नर ऑफ चेन, अब कॉर्नर मतलब चेन के बीच में नहीं होगा, चेन के बीच में कौन होगा, जिसके पास कम से कम दो वैलेंसी खाली हो, कितनी वैलेंसी खाली हो, सिर्फ तीन वो भी जा सकता है, हाँ चार वाले, मैंने कम से कम दो बोला, क्या बोला है, क्योंकि चेन के बीच वाले को इधर भी बॉन्ड बनाना है और इधर भी कार्बन क्या करता है, इसको बड़ी बड़ी कार्बन चेन क्या बनाता है, चेन बनाता है, तो बीच वाले को इधर भी बॉन्ड बनाना है और इधर भी बॉन्ड बनाना है, तो बीच वाले क्या कहा सकते होगी, उसके पास दो वैलेंसी होगी और किनारे वाले के पास एक वैलेंसी खाली होगी। जैसे इसको मैं देखूं तो इस कार्बन को पहले देखो, जब स्ट्रक्चर लिखा है तो एक दो तीन चार पांच, क्लियर, अब मुझे ये पता लग गया ये किनारे का और ये भी किनारे का है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3, फिर देखो ये CH2, देखो इसमें दो ही हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब दो वैलेंसी खाली है और इन दोनों वैलेंसी से अपने आगे पीछे वाले कार्बन से जुड़ता है, ये वाला कार्बन भी ऐसे जुड़ेगा और जो लास्ट में कार्बन है वो भी ऐसे जुड़ेगा। अगर मैं ऐसा लिखता CH3 CH CH CH2 CH3, तो अपने का तो वही काम है बेटा कि CH3 तो किनारे पर है, CH3 कहाँ है, यहाँ पे CH, यहाँ पर है CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 हमने बना दिया। फिर हमने कहा इन दो कार्बन की तो वैलेंसी पूरी ही नहीं हुई, और आपको पता है जिनकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई कार्बन में उसमें वहां पाई बॉन्ड है, वहां पे क्या है कि कार्बन चार बॉन्ड बना के मानेगा, और जो वैलेंसी नहीं दी गई है
आप वहां खुद से जाके पाई बोन बना दो, क्या बना दो, आगे भाषण में हाइब्रिडाइजेशन तो खुद से निकाले लोगे, क्या गिनना है सर, सिग्मा बोन गिनने और पाई बोन गिनने, पाई बोन का तो मतलब ही नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख के दू बेटा सी एस थ्री एक सेकंड। अब अपने कोई कहे इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, इसकी क्या बनाओ बेटा स्ट्रक्चर। देखो बेटा हमें पता है कि ये वाला कार्बन और ये वाले ये चेन के अंदर तो नहीं है, चेन के कहीं पर भी होंगे लेकिन चेन के अंदर तो नहीं है। चेन के अंदर वही होते हैं जिसके कम से कम दो वैलेंसी खाली हो। इस कार्बन पे तो तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इसकी तो एक ही वैलेंसी खाली है, कितनी वैलेंसी खाली है एक, और कार्बन के पास टोटल चार होती है, अगर एक खाली तो बीच में तो नहीं आ सकता। तो बीच में आने वाले को लिखो पहले सी एच, फिर अगले सी एच टू से जुड़ा हुआ है, फिर ये अगले सी एच टू से जुड़ा हुआ है, और फिर कौन है सी एच जुड़ गए। अब हमें सी एच थ्री को देखना है, क्लियर है। अब देखो सी एच की बात करें तो इस सी एच के पास में दो सी एच थ्री पड़े खाली, इन दो सी एच थ्री को देखना है कहां जोड़े, इन दो सी एच थ्री को देखना है कहां पे, क्या ये कार्बन को पूछेंगे तेरे को एक्स्ट्रा कोई चाहिए, क्या कहेगा मैं तो नहीं चाहिए, तो इस कार्बन को पूछे तो क्या कहेगा मेरे पास दो वैलेंसी खाली है, तो एक सी एच थ्री को अपने यहां जोड़ लेगा, एक सी एच थ्री को अपने सेम कहानी, इस सी एच को पूछा है तो कहा कि हाँ मेरे पास दो जगह खाली है क्योंकि एक तो मैंने इससे बॉन्ड बनाया एक मेरा खाली पड़ा है, तो बाकी दो पे कौन आके जुड़ेगा सी एच थ्री कौन आके जुड़ेगा। पास में नेक्स्ट देखो ध्यान से, कोई हमें ऐसे लिख के दे सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी 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 एच थ्री ऐसे लिख के दे दिया। तो हमें पता है बेटा पहला काम आप छांट लो कि ये भाई साहब और ये भाई साहब और ये चेन के अंदर नहीं है, चेन के अंदर है तो पहले चेन वाले बनाओ, चेन के अंदर कौन है सी एच टू कौन है, उसके बाद में सी एच हो सकता है, फिर सी एच टू, फिर कौन है सी, फिर कौन है सी, और उसके बाद में वो सी एच थ्री वो यहां जुड़ा हुआ होगा। अब बारी आती है इस सी एस थ्री की, तो ये सी एस थ्री तो लास्ट में किनारे पे जुड़ा हुआ है, इस सी एस टू को पूछो तो अगले कार्बन को पूछो तुझे चाहिए क्या, ये क्या कहेगा मुझे तो नहीं चाहिए, पीछे वाले को कहा तो हाँ इसने ये क्या कहेगा मुझे चाहिए। अब हमने इन दोनों को पूछा तुम दोनों का क्या होगा रे, तुम्हारे तो बॉन्ड ही नहीं, हाइड्रोजन कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, किसको जोड़े, तो कहा हमारे ट्रिपल बॉन्ड बना दो, क्या बना दो आगे बात में। इस स्ट्रक्चर में आपको एटम तो सारे गिवन थे लेकिन बॉन्ड नहीं बताए थे, क्या नहीं बताए थे, आपको बॉन्ड खुद बनाने पड़ेंगे और बॉन्ड बनाने के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, क्या निकालनी है बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से इतना समझ में आया। नेक्स्ट आती है लाइन स्ट्रक्चर, क्या आती है बेटा, जो लाइन स्ट्रक्चर जो होती है ना ये आपको कार्बन की बनानी होती है, इसमें क्या होता है कि आपको बॉन्ड बताए जाएंगे, कार्बन भी बताए जाएंगे लेकिन हाइड्रोजन कभी नहीं बताए जाएंगे, हाइड्रोजन आपको खुद बनाने, हाइड्रोजन आपको खुद बनाने। और आपको पता है मेरा फेवरेट एग्जाम्पल तो कार्बन वाली कहानी है कि कार्बन क्या होता है, वो गाना नहीं मैं निकला गड्डी लेके, वो ऐसा नहीं, वो कैसा है बेटा कार्बन निकला गड्डी लेके एक मोड़ आया, क्या है बेटा वहां कार्बन छोड़ाया, क्या छोड़ाया देखो ध्यान से, हर मोड़ पे कार्बन, हर मोड़ पे कौन है के कार्बन, क्लियर, जहां शुरू किया उस हर मोड़ पे कार्बन, हर मोड़ पे क्या है के कितने कार्बन है बेटा बोलो कोई दिक्कत है। अब इसमें हाइड्रोजन नहीं बताया जाएगा आपको, हाइड्रोजन आपको खुद बनाने हैं कि सर खुद कैसे बनाए कि आपको बताए इस कार्बन के दो बॉन्ड बने हुए, मतलब हिडन है दो हाइड्रोजन है, हिडन क्या है दो, इसी तरह इस कार्बन पे दो बॉन्ड बने हुए मतलब हिडन क्या है दो, इस पे भी हिडन क्या है दो, इस पे भी हिडन क्या दो, इस पे कितने हाइड्रोजन हिडन है तीन हाइड्रोजन, कितने सेम कहानी है बेटा। अगर वो हमें यूं बना के दे और इस कार्बन के हाइड्रोजन पूछे तो कितने बनाओगे कि सर एक दो तीन बॉन्ड बने मतलब एक हाइड्रोजन है, और अब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है
अब क्या निकालनी है, निकाल दोगे क्या हाइब्रिडाइजेशन? किससे निकाल देंगे, एक दो तीन बॉन्ड है, sp2 क्या हो गया, चमका क्या, सेम कहानी इसके लिए निकाल सकते हो बेटा, इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो कि अगर मैं तुम्हें इस तरह से स्ट्रक्चर बना के दूं, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या आएगी, sp, इसके क्योंकि सर एक दो तीन चार बॉन्ड तो बने हुए, कितने बॉन्ड बने हुए, चार, तो कोई हाइड्रोजन तो आएगा नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दो, ये कितने है? इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, अरे सिग्मा बॉन्ड पूछे कितने चार, sp3 बोल रहे हो, एक दो तो बने हुए, इसका मतलब दो हाइड्रोजन है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, चार, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया इसका। अगर मैं तुम्हें ऐसे बना के दूं बेटा, तो अब बताओ इस मॉलिक्यूल की फॉर्मूला क्या होगा। देखो छह तो कार्बन है, एक दो तीन चार पांच छह, छह कार्बन हो गए। अब आपको बताओ एक कार्बन के दो ही बॉन्ड बने हुए, इसका मतलब दो हाइड्रोजन हिडन है, दो हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन के जितने खाली बॉन्ड होते हैं उतने हाइड्रोजन होते हैं, तो कितने हाइड्रोजन हिडन है, दो, और अगर दो हाइड्रोजन हिडन है तो एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन हिडन है तो छह कार्बन में कितने हिडन होंगे, बारह, ये क्या हो गया C6H12, ये कौन होता है, साइक्लोहेक्सेन, और आपका सो कॉल्ड फेवरेट बेंजीन, कितने हाइड्रोजन है, छह हाइड्रोजन है, कार्बन छह तो कार्बन। अब देखो एक कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए, एक दो तीन, कितने बॉन्ड बने हुए, तीन बॉन्ड बने हुए, और अगर तीन बॉन्ड बने हुए इसका मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन होगा, मतलब एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन और है, वो हिडन रहता, दिखाया नहीं जाता बेटा, तो हमें पता हर कार्बन पे एक एक होगा, तो छह कार्बन पे छह हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, C6H6। अब मैं तुमसे पूछूं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ sp2, क्योंकि सर बेटा देखो कोई कहेगा सर बॉन्ड तो सिग्मा दो ही, अरे तीसरा हाइड्रोजन बना, कितने सिग्मा बॉन्ड है, तीन, और तीन सिग्मा बॉन्ड पे क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp2, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ये कौन है, बेंजीन, कौन है, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, C9 की C10, देखो छह तो ये रहे, सात आठ नौ दस, तो सी क्या हो गया, टेन, सी क्या हो गया, टेन। अब देखो एक दो तीन चार, चार हाइड्रोजन तो ये रहे, क्योंकि अरे मैंने अच्छा ये बनाया नहीं कि एक सेकंड, ये तो हटा देता हूँ, ये बना देता हूँ, अभी रेजोनेंस कौन सा पढ़ा दिया तुमने, अब बताने ले रहे, एक ही बात है, तो इसके कितने कार्बन हो गए, टेन कार्बन है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए, एक दो तीन बॉन्ड बने हुए, तो बचा कितना, एक, कितना बॉन्ड बचा, एक बॉन्ड बचा, बोलो कोई दिक्कत है, इसी तरह इस कार्बन के कितने बॉन्ड बचे हुए, एक, इसका भी एक, इसका भी एक, तो कितने हाइड्रोजन हुए, चार, इस तरह भी एक दो तीन चार, चार चार आठ हो गए, क्या इस कार्बन का कोई हाइड्रोजन आएगा, क्या इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन आएगा, फॉर्मूला क्या हो गया, बोलो कोई दिक्कत है, इसका बताओ बेटा, इसको वैसे क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन, इसका बताओ, C14 है, और सबके हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो बेटा, किसी कोई दिक्कत है इसमें, पक्का, चलो जी। अब देखो ये हाइब्रिडाइजेशन रेजोनेंस से भी बदल जाती है, किससे बदल जाती है, इस रेजोनेंस वाले टॉपिक को अपन ऑर्गेनिक में देखेंगे, कहाँ देखेंगे, ऑर्गेनिक में, अपन इतना डेप्थ भी नहीं जाएंगे, सिर्फ अपन ने ऊपर ऊपर का पढ़ लिया,
बस बहुत है, क्लियर है। इससे ज्यादा डेप्थ हुआ तो वो अपन पूरी ऑर्गेनिक में जाएंगे। किसमें जाएंगे? ऑर्गेनिक में। ये पूरा ऑर्गेनिक है, मैंने तो सिर्फ इंट्रोडक्शनली पार्ट लिया ताकि चैप्टर में छोटे मोटे क्वेश्चन आए तो सलटा सकूं। बाकी अपन ये वाइब्रेशन वापस पढ़ेंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, जब अपन रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन को चेंज कर देती है। क्या कर देती है? चेंज। अभी तो मैंने बिना रेजोनेंस वाले ही पढ़ाए, क्लियर है। चलो जी, नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत है और ना रेजोनेंस अभी पढ़ने की जरूरत है। रेजोनेंस अपन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ समझ में तो आएगा नहीं। ना ना, अरे रेजोनेंस में ऑर्गेनिक में लिखाऊंगा ना पूरा पूरा, अभी क्यों पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ड्रेगो रूल की। किसकी बात करते हैं? ड्रेगो रूल। देखो ड्रेगो रूल क्या है, ध्यान समझो, क्लियर है कि भाई ड्रेगो रूल हमें क्या सिखाता है। देखो ये जो ड्रेगो रूल है, ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट है अपने पास में? देखो हर एलिमेंट क्या होता है कि कोई भी सराउंडिंग एटम आता है तो सेंट्रल एटम उसके स्वागत में क्या करता है कि अपने ऑर्बिट को एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है, क्लियर है। जितने आते हैं उसके हिसाब से एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है, फिर क्या करता है बेटा कि वो हाइब्रिडाइजेशन करता है, क्या करता है, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटलों को सराउंडिंग के साथ क्या करवाता है? ओवरलैप। क्या करवाता है? इस सबके साथ होता है, ये सारे एलिमेंट ऐसा करते हैं, कोई भी सराउंडिंग आए। अब देखो क्या होता है कि ये अपने पास सेकंड पीरियड एलिमेंट और ये उसके बाद बचे हुए एलिमेंट, अपन इनको दो कैटेगरी में तोड़ा है। ये लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ भेदभाव करते हैं। किसके साथ भेदभाव करते हैं? बाकी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, जो पढ़ के एकदम सही है। हाइड्रोजन के साथ भेदभाव करने का रीजन क्या? हाइड्रोजन बहुत साइज में बहुत छोटा होता है। साइज में क्या होता है? बहुत है, छोटा होता है। अब देखो सिंपल सी कहानी है कि आप मान लो खड़े हो, बात कर रहे हो, छोटा सा बच्चा आया और आपसे पूछा कि पानी कहाँ पर है, आप क्या कहोगे कि भाग यहाँ से, तेरे को पानी पिलाने वाला लगता है, ढूंढ ले कहीं पे पानी वानी होगा, आप उसे धमका के भगा दोगे, उसे धमका के भगा दोगे, क्लियर है कि जाके ढूंढ ले उधर, पीले जाके, यही काम रह गया, क्योंकि आप उसे भाव नहीं दोगे, आप उसे भाव हुए। लेकिन अगर आपसे कोई बड़ा आया और पूछा कि बेटा पानी कहाँ पे, तो आप क्या कहोगे कि आप बैठो में लेके आता हूँ, आप बैठो में, तो तुम्हारा व्यवहार बदला, तुमने छोटे को क्या कहा, भाग यहाँ से, पानी ढूंढ, खुद भी पी के यार, मेरे लिए भी लेके आ, मेरे लिए भी, ये तुम्हारा क्या हुआ बिहेवियर। तो सिंपल सी कहानी है बेटा कि जो ये बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन से बहुत बड़े नहीं है साइज में, तो इनके लिए हाइड्रोजन एकदम अपने जैसा ही है, इनके लिए हाइड्रोजन का कोई बिहेवियर में चेंज है। ये जो एलिमेंट है थर्ड पीरियड वाले, ये हाइड्रोजन को भाव ही नहीं देते। कोई हाइड्रोजन इनके पास आया कि बॉन्ड बनाना है, कि बना ले चुपचाप, थप्पड़ मारूंगा इधर से, तेरे से बॉन्ड बनाने के लिए पैदा हुए हैं क्या हम, क्लियर है। जबकि ये हाइड्रोजन के साथ वैसा का वैसा ही है जैसे हम पढ़ के आए थे। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये क्या करते हैं? फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज सराउंडिंग। बाकी एलिमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी में तो सब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ये भी करते हैं और ये भी करते हैं। ये हाइड्रोजन के लिए, ये तो बेचारे हाइड्रोजन की इज्जत करते हैं, तो ये तो हाइड्रोजन के, जब अगर कोई सराउंडिंग में हाइड्रोजन हुआ तो उसके लिए क्या बनाएंगे बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। जबकि ये जो है, ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग करते हैं, जो अपन सबसे पहले वीबीटी में पढ़ा था ना वो वाला, ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग करते हैं, वो भी ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड में नहीं होते। क्या नहीं होते? एक्साइटेड में, मतलब आप बच्चे की तरफ देखते भी नहीं भाई ऐसे, इतना सा मतलब भाव ही नहीं देते बिल्कुल भी, ये उसको कोई भाव नहीं देते। ग्राउंड स्टेट में डायरेक्ट ओवरलैपिंग करते हैं, एक्साइटेड होने की भी क्या नहीं करते बेटा, जरूरत फील नहीं करते, हमारी भाषा में। जबकि ये सब कुछ करते हैं, क्लियर है। तो ड्रेगो रूल क्या है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट फॉर्म हाइब्रिडाइजेशन व्हेन ए हाइड्रोजन इज सराउंडिंग एटम, और ये हाइब्रिडाइजेशन, ये सराउंडिंग एटम अगर हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। देखो कैसे, एलिमेंट बिलो सेकेंड पीरियड डायरेक्ट ओवरलैप विद ए हाइड्रोजन एटम इन देयर ग्राउंड स्टेट। अब देखो इसको समझते हैं एग्जांपल से। मेरे पास एक NH3 है, मेरे पास क्या है कि, तो देखो सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, और सराउंडिंग एटम कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहुंचा और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाना है, तो नाइट्रोजन क्या कहेगा? रुक, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? हाइड्रोजन कहता बनाओ। तो नाइट्रोजन की आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन, हमें पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं बेटा? पांच, और यूनिवेलेंट कितने? तीन डिवाइड बाय दो, एन कितना आया? चार। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3, और sp3 ऐसा ही बनता है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है? और कितने सराउंडिंग एटम है? तीन हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को यहाँ बिठाता है, और एक क्या रखता है? लोन पेयर। क्या रखता है? लोन पेयर। हाइड्रोजन खुश है कि नहीं है?
बढ़िया इज्जत की यार, गए हुए को हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बना के दिए और बढ़िया इज्जत इज्जत की। यही हाइड्रोजन बुला बटका किसके पास चला गया बेटा, PH3 के पास। किसके पास चला गया, पेन देना, दो तीन कलर वाइज देना, इसके पास है, एक पेंसिल दे दे, एक ये दे दे, एक ये दे दे, बहुत है। हाँ सुपरमार्केट है। अब जो यही हाइड्रोजन बेटा बुला बटका किसके पास गया, PH3 के पास। अपन ऊपर ही बना लेते हैं कि फॉस्फोरस के पास गया, तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलना है क्या है बेटा, नियोन 3s2 3p3, तो ये रहा 3s2 और ये रहा 3, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। तीन हाइड्रोजन पहुंचे, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, क्या लेके पहुंचे बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके पहुंचे, और कहा कि वो बॉन्ड बनाना था तो फॉस्फोरस का था, बना ले, मुझसे क्या देख रहा है कि नहीं। वो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हो फिर ओवरलैप करते हैं ना ऐसे, आप एक्साइटेड स्टेट स्टेट कि देना इधर से थप्पड़ की, तेरे लिए एक्साइटेड हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल और बनाऊ, बना ले ग्राउंड स्टेट में, किसमें बना ले, हाइड्रोजन बेटा छोटा बच्चा कहता ठीक है जो आपको जो आप है, तो क्या तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से जाके ओवरलैप हो जाएंगे बेटा, बोलो कोई दिक्कत है। और तो ये ओवरलैपिंग कैसी ओवरलैपिंग हुई, फॉस्फोरस का 3p और इसका 1s, ये तो 3p 1s ओवरलैपिंग हुई जो VBD सबसे पहले समझा रहा था, इसका मतलब VBD पूरा झूठा नहीं था, तो देखा होगा ऐसा होते हुए। आगे बात समझ में, फॉस्फोरस तो कोई भाव ही नहीं दिया, डायरेक्ट ओवरलैपिंग हुई, क्या हुई बेटा, अगर डायरेक्ट हो देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3, और sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है 109°28' मिनट, तो इसका भी जो जो बॉन्ड एंगल है वो 109 तो नहीं होता लेकिन 107 के राउंड है, क्योंकि sp3 है, बॉन्ड एंगल तो ऑलमोस्ट नियर बाय वही रहने वाला है, तो इसका तो बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 109 के पास है, लेकिन यहाँ तो वो हाइब्रिडाइजेशन हुई नहीं, हाइब्रिडाइजेशन हुई नहीं, इसका मतलब क्या है, ये है तीन ऐसे तो होते हैं बेटा PX PY PZ, तीन पी ऑर्बिटल है, एक हाइड्रोजन बेचारा यहां से आके जुड़ा, एक है यहां से और एक है, बताओ बॉन्ड एंगल अराउंड कितना हुआ 90 डिग्री पे जुड़े तीनों के तीनों आगे, और एक इसके पास भी लोन पेयर है, एक इसके पास क्या है लोन पेयर, एक इसके पास क्या है बेटा, ऑफकोर्स यहां पर उसके भी लोन पेयर होगा, सेप इसकी भी पिरामिडल आएगी, सेप इसकी भी क्या आएगी, देख लो सेप पिरामिडल जैसी है, सेप इसकी भी पिरामिडल है, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये क्या sp3, जबकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है अराउंड राउंड है 90, तो क्वेश्चन आता है PH3 में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री क्यों है, तो क्या बोलोगे कि ड्यू टू ड्रेगो रूल यहाँ पे क्या हुआ है डायरेक्ट ओवरलैपिंग, क्या हुई है, क्लियर है, हाइड्रोजन की हिम्मत ही नहीं है। अब ये हिम्मत नहीं होने के पीछे है क्योंकि देखो कोई भी ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में कब जब जस्ट तुम्हें कोई बड़ा आया तो तुम उसके लिए पानी क्यों भर के लाए, क्योंकि तुम्हें उसमें खौफ था क्योंकि अभी दो थप्पड़ मारेगा एनर्जी चढ़ा देगा पूरी, हाइड्रोजन जब आता है तो वो इतनी एनर्जी जनरेट नहीं करवा पाता फॉस्फोरस से कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है भाई, एनर्जी जनरेट करवानी पड़ती है ना भाई, जब नाइट्रोजन के पास गया तो नाइट्रोजन पे इतनी एनर्जी जनरेट होगी, क्लियर है, क्योंकि नाइट्रोजन कहता बराबर का साइज था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन फॉस्फोरस पे खोप ही पैदा नहीं कर पाता, खोप किससे पैदा करते हैं एनर्जी से भाई, बड़े से तुम डरते क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी से डरते हो दो थप्पड़ के नीचे से, आरी बात में, तो इसलिए ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट ओवरलैपिंग, क्या होती है बेटा इसमें भी लोन पेयर है, सेफ इसकी भी पिरामिडल बोली जाएगी, ऐसे पकड़ूंगी पिरामिडल यार, देख लो एक लोन पेयर है, पर उसका लोन पेयर के इसके लोन पेयर में फर्क है, इसका लोन पेयर किसमें है बेटा एस ऑर्बिटल में पड़ा है, किसमें पड़ा है, जबकि उसका लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, किसमें है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस आपको ऑर्गेनिक में काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं H2O H2S में, तो सेफ तो किसी की भी हो सकती है ना, किसी कुत्ते की टांग नहीं उसको भी तो लंगड़ा कुत्ता ही बोलती है तू, सेफ तो क्या जैसा दिखता है वैसा बोल दिया, हरी बात में। नेक्स्ट वन है H2O, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास पहुंचे कि बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन कहता है 2 मिनट रुक, क्योंकि ऑक्सीजन तो भेद करता ही नहीं ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं 6, 2 univalent divided by 2, 4 sp3, sp3 बॉन्ड बनाया, कहा जा हाइड्रोजन जुड़ जा, हाइड्रोजन आगे जुड़ गया, हाइड्रोजन खुश हुआ कि नहीं हुआ, हाइड्रोजन की आंखों में आंसू आ गए क्या, आ गए बेटा इतनी इज्जत इतनी, अब ये छोड़ा हो गया कि अपने जो हर जगह पहुंच गया सल्फर के पास, क्या सल्फर ने कहा क्या है कि बॉन्ड बनाना है कि रुक, तो ये सल्फर की क्या है बेटा ग्राउंड स्टेट है, ये सल्फर की क्या है ग्राउंड स्टेट, अब दो हाइड्रोजन आके बैठ गए तो सल्फर ने कहा हाँ बना ले भाई, कितनी देर होगी बॉन्ड में, कि नहीं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल वो बनाते हैं ना
कि दोनों थप्पड़ की जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल और बनाओ तेरे लिए, चुपचाप बॉन्ड बना ले, चुपचाप क्या बना ले बॉन्ड। तो ये बेचारा चुपचाप इसके ओवरलैप कर लेगा, तो क्या इसने इसके पी से ओवरलैपिंग की है, तो इसका थ्री पीस का वन एस, बोलो कोई दिक्कत है। और आपको पता है पी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, एक इधर से जुड़ेगा और एक है, तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा 90 क्राउंड, कितने क्राउंड आएगा, चमका क्या। और लेकिन ये बाकी बचे दो क्या है, लोन पेयर, इसके लोन पेयर कहां पर है, एक एस में और एक पी में, जबकि इसके लोन पेयर कहां पर है, दोनों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में, दोनों किसमें है, आगे भाषण में। अब नेक्स्ट बने पीएच फाइव और पीसीएल फाइव, पीसीएल फाइव तो बनता है, पीएच फाइव बनता ही नहीं है, कि ऐसा क्यों, जैसे ये फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट है, ये फॉस्फोरस की क्या है, देखो फॉस्फोरस के पास 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है, तो ये बन गया, तो पांच हाइड्रोजन पहुंच गए, कितने पहुंच गए कि हमें बॉन्ड बनाना है, क्या बनाना है, तो नाइट्रोजन क्या बना लो, फॉस्फोरस क्या क्या बना लो, कि नहीं वो तो तीन ही की है, वो हाइब्रिडाइजेशन है, कि वो तो हमें पता आप हमारे लिए हाइब्रिडाइजेशन करने वाले हैं, क्या वो तो तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, तो क्या नहीं हम पांच जने यहाँ तो बॉन्ड बनाने की तीन की कैपेसिटी है, तो वो एक्साइटेड होके एक इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचा दो, अच्छा इतने नखरे तीन थप्पड़ की दर से जुड़ना है तो ग्राउंड स्टेट में जुड़ लो, तो बताओ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, तीन, बाकी दोनों का हमारा, कि घर जाओ भाई क्या करो बेटा, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन इतनी एनर्जी जनरेट ही नहीं कर पाया कि ये कहां जाए, एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, हाइड्रोजन जनरेट ही नहीं कर पाया, तो हमें ऑप्शन में से लिखाता है, ऐसे थोड़ी लिखाता है कि दिनों थप्पड़ की यूं बोला फॉस्फोरस है, यूं मत याद करना कि मास्टर ने तो सिखाया था, ऑप्शन में ढूंढो कि फॉस्फोरस वो ऑप्शन कहां था, मास्टर यूं बोले फॉस्फोरस दिनों थप्पड़ की, क्लियर है, हाइड्रोजन इतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाया कि एक्साइटेड हो जाए, क्या हो जाए बेटा, लेकिन यही फॉस्फोरस जब क्लोरीन आता है, जब क्या आता है क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए वो पूरी हाइब्रिडाइजेशन करता है, क्लोरीन आया कि अरे वो तुम आजकल हाइब्रिडाइजेशन अवॉइड करते नहीं हो, कि नहीं नहीं आपके लिए सब करते हैं, आपके लिए फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने पांच, क्लोरीन के कितने पांच डिवाइड बाय दो कितना आया पांच, पांच मतलब sp3d, और sp3d में आपको पता, देखो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो यही है, तो क्लोरीन ने कहा तुम्हारे तो बॉन्ड तीन बॉन्ड बनाने की औकात है, कह रहे रुको हम एक्साइटेड भी होते हैं, हम क्या होते हैं, अपने एक इलेक्ट्रॉन को फॉरन डी में भेजेगा, कितने ऑर्बिटल आ गए पांच, बोलो sp3d जैसे स्ट्रक्चर बना ली कि नहीं बना ली, तो क्लोरीन कहता अच्छा वो हाइड्रोजन के लिए, कह रहे वो तो लल्लू लाल उसके लिए सही है, उसके लिए हमसे क्वेश्चन आता है पीएच फाइव पॉसिबल है क्या, नाट जाना ग्राउंड में तीन ही बना सकता है, तो पीएच थ्री तो पॉसिबल है, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, पीएच फाइव तो पॉसिबल ही, जबकि पीसीएल फाइव पॉसिबल है, पीसीएल फाइव है। नेक्स्ट देखो SF6, SF6 में तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, छह हाइड्रोजन पहुंचे तो सल्फर को कहा बॉन्ड बनाना है, कि एक मिनट रुको अभी बना देते हैं, तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या, नियोन 3s2 3p4, तो ये रहा 3s2 और ये 3p, तो हाइड्रोजन ने कहा कि नीचे बैठे हाइड्रोजन, सल्फर ने कहा बनाओ बॉन्ड, तो नहीं हम वो हमें पुराना तुम्हारा साथ किस्सा याद है, तुम हमारे लिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, क्या हो तो तुम्हें अच्छी बात है याद है कि, पर बॉन्ड बनाने के लिए दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आपको कुछ एक्साइटेड करके था, भूल गए पिछली बार थप्पड़ मारी दिखाई थी, अब की बार थप्पड़ मार भी दूंगा, जितने हैं उतने बना लो ग्राउंड में, कोई एक्साइटेड नहीं है तुम्हारे लिए, तो क्या मैक्सिमम दो ही हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, छह जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि सल्फर एक्साइटेड ही नहीं होता, सल्फर एक्साइटेड ही अपने इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचा ही नहीं पाता, में इसमें सेम लॉजिक लिखना है, क्या लिखना है कि थप्पड़ वाला नहीं, हाइड्रोजन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता कि सल्फर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए एक्साइटेड, लेकिन यही चीज जब क्लोरीन आया तो क्लोरीन ने कहा तुम हमें, मैंने सुना तुम छह हाइड्रोजन को जोड़े नहीं थे, हमें भी नहीं जोड़ोगे, कि नहीं आपकी बात अलग है, आपकी बात है, आप आओ बैठो सल्फर में, कितने 6+6 डिवाइड बाय 2 कितना है 6, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 यूनिवेलेंट 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d2, तो सल ग्राउंड स्टेट लिखी इसने, ग्राउंड स्टेट लिखने फ्लोरीन ने कहा तुम्हारे पास तो दो ही अनपेड है, क्या बस रखो कोई चीज होती है तसल्ली रखो, अभी देखो तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचाएगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचाएगा, भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आगे पहुंचा सकता है एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब तो ज्यादा एनर्जी में, तो 3d की एनर्जी ज्यादा है तो 3p से भेजेगा और एक 3s से भेजेगा, बन गया कि नहीं बन गया, छह कि आप तो आउट ओवरलैपिंग करो, तो इसमें सेम मतलब हाइड्रोजन के साथ दिक्कत है, बाकी से कोई दिक्कत है, नाइट्रोजन को तो बाकी से भी दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन से भी कोई दिक्कत है, आगे बात सुन में। नेक्स्ट NH5 पॉसिबल नहीं है, कौन पॉसिबल नहीं है, इससे नाइट्रोजन तो दोगला निकला, पहले तो पॉसिबल रहा, तो हाइड्रोजन पहुंचे, हाइड्रोजन ने कहा नाइट्रोजन को भाई देख बाकी लोग तो इज्जत नहीं करते, तुम लोग हमें इज्जत इज्जत दिए, पिछले बार हम जब तीन आए थे इस बार हम पांच आए, तो नाइट्रोजन ने कहा देखो बॉन्ड तो मैं नहीं बना पाऊंगा, कि क्या मजबूरी है तुम नहीं बना पाए, तुम भी बिगड़ गए ना फास्फोरस के साथ रह के, कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है,
नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? पांच। हाइड्रोजन के पास के यूनिवेलेंट कितने हैं? पांच। डिवाइड बाय दो कितना है? पांच। पांच मतलब sp3d। नाइट्रोजन कहता है देख ले भाई जेब खाली करके दिखा रहा हूं, मेरे पास d ऑर्बिटल है ही नहीं, मेरे पास d ऑर्बिटल है। अब जैसे तुमने साची ने प्रेरणा होकर पार्टी से पार्टी प्रेरणा कहते देख ले जेब में एक रुपया भी है तो ले ले तू पार्टी, क्लियर है? रुपए होंगे तो पार्टी दे दूंगी ना भाई। सर प्रेरणा होगा प्रेरणा उल्टा बोलो ठीक है, साची को तुमने कहा पार्टी दे दे, अच्छा तुम बोलोगे नहीं क्या? तो जेब में खाली करके दिखा देख लो, पैसे है तो ले लो, बोलो कोई दिक्कत है? तो नाइट्रोजन ने कहा कि भाई तुम पांचों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, तो उनका sp3d चाहिए। क्या चाहिए भाई? हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाले अच्छे, हमने क्या निकाली? हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली sp3d आई, तो नाइट्रोजन को, वो नाइट्रोजन क्या करता है अपने आप को ओपन करके दिखा देता है कि भाई कहीं पर डी है ना तो बना लो, कहां यार तेरे पास तो डी है ही नहीं, तो तुम मैक्सिमम चार ही बॉन्ड बना सकता है। कितने बना सकता है? इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है आगे, क्लियर है? तो मैक्सिमम ऑर्बिटल से बॉन्ड बनते हैं, तो कहता है मेरे पास तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्बिटल ही चार है, पांच बनाऊंगा कहां से, मेरे पास तो डी ऑर्बिटल है ही। तो ये ड्रेगो रूल नहीं है बेटा, क्लियर है? ड्रेगो के जैसे वो होते, ये तो क्या कहेगा बेटा मेरे पास तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है, क्या नहीं है? तो यहाँ ये मट्टी कहते ना ड्रेगो रूल है, नहीं यहाँ डी ऑर्बिटल एब्सेंस ऑफ है। सेम कहानी OH6 की है, अगर छह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास पहुंच गए तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या चाहिए? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। अगर छह के छह हाइड्रोजन को वो रखना चाहता है क्योंकि वो तो हाइब्रिडाइजेशन करता है, कहता है तुम छह के साथ बनाने के लिए मुझे sp3d2 बनना पड़ेगा, d2 के लिए d ऑर्बिटल चाहिए और ऑक्सीजन के पास तो d ऑर्बिटल होता ही, तुम का क्या? बोलो कोई दिक्कत है? चलो जी आगे कल पढ़ेंगे, समझ में आया? पक्का ना, भूले हुए तो नहीं? चल ऑर्गेनिक वाले में ज्यादा फोकस मत।